हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एक ऐसी कॉमन डिसीज है, एक ऐसी बीमारी है जो बच्चे, बड़े, बूढ़े, लड़के, लड़कियां किसी को भी हो सकती है। दोस्तों, आप कभी कभी महसूस करते होंगे कि आपको दिन में या रात में सोते समय अचानक आपकी टांगों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अर्थात यह दर्द जो है ऊपर से नहीं महसूस होता है, लेकिन यह ऐसा लगता है कि हड्डियों में दर्द हो रहा है, असहनीय पेन होता है, पैरों में ऐठन सी महसूस होती है, उलझन होती है, बेचैनी होती है। तो घर के जो बड़े बुजुर्ग है वो कहते हैं कि अपने पैरों में जो है काला धागा बांध लो। तो दोस्तों, काला धागा बांधने से क्या होता है, आखिर ये दर्द क्यों होता है, इसका कारण क्या है? तो आइए दोस्तों, हम अपनी वीडियो में आज यही बताने चल रहा हूँ कि ये पैरों में तीव्र दर्द का कारण क्या है। जो एक फटन सी होती है, ऐसा लगता है कि पैर फट रहा है, अंदर से फट रहा है, बाहर से पीड़ा नहीं महसूस होती लेकिन अंदर से फट रहा है, मन में बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है, उलझन होती है, बार बार करवटे लेने पड़ते हैं। अक्सर ये शिकायत लड़कियों में ज़्यादा होती है, बच्चों में भी आजकल होती है, बड़ों में भी, बुजुर्गों, किसी को भी हो सकती है। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं इसका कारण क्या है और कैसे इससे राहत पाएँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको तुरंत इससे राहत मिल जाएगी। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल किंग्समैन ये आपको पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए हम आपको ले चलते हैं वीडियो के अंदर और आपको बताते हैं कि इसका कारण और निवारण क्या है। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि हमारे शरीर का प्रत्येक अंग काफ़ी महत्वपूर्ण है। शरीर के एक भी अंग में चोट लग जाए तो रोज़मर्रा के काम करने में भी परेशानी होने लगती है। हमारे पूरे शरीर का भार पैरों पर होता है, इसलिए पैरों का मजबूत और स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। पैरों में दर्द और कमजोरी होना एक सामान्य समस्या है जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। बच्चों से लेकर वृद्धावस्था तक में पैर में दर्द की शिकायत हो सकती है, जिसके कारण दैनिक कार्य करने में दिक्कत आती है। कई कारणों से पैर में दर्द हो सकता है। मांसपेशियों में मोच या मांसपेशियों में खिंचाव, मांसपेशियाँ फटने, पोषण की कमी, मांसपेशियों में थकान, मांसपेशियों में ऐठन, लंबे समय तक खड़े रहना, नसों में दिक्कत, पानी की कमी, हड्डी टूटने की वजह से पैर में दर्द महसूस हो सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे कारगर उपाय है नींबू का जूस। टांगों के दर्द के लिए गुणकारी है लेमन जूस। नींबू में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है जो दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है। इससे आपके शरीर का पीएच स्तर बना रहता है और टांगों में सूजन या दर्द से जुड़ी समस्याएँ नहीं होती। नींबू का इस्तेमाल दो तरीके से आपको करना है। पहला तरीका यह है कि बराबर मात्रा में नींबू का जूस और अरंडी का तेल मिलाएं। इसे पूरे दिन में दो या तीन बार प्रभावित क्षेत्रों पर लगाएं। आपकी टांगों में जहां पर दर्द हो रहे हैं वहां पर इसको जो है लगा लें। और दूसरा तरीका है, एक गर्म पानी में एक नींबू का जूस और थोड़ा शहद मिला लें। एक गिलास गर्म पानी या एक कप गर्म पानी में इस मिश्रण को हफ्ते में दो बार जरूर पिएं। इससे आपके पैरों में ऐठन या दर्द नहीं होंगी। टांगों के दर्द के लिए विटामिन डी है सहायक। विटामिन डी फॉर लेग पेन। जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है उनमें इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे टांगों में दर्द, कमर दर्द, शरीर में दर्द और जांघों में दर्द। इसके अलावा यह विटामिन दो खनिजों को नियंत्रित करता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस, जिससे तंत्रिका और मांसपेशियों के कार्यों में मदद मिलती है। इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए सुबह सुबह 10 से 15 मिनट सूरज के सामने खड़े रहें। इससे आपके शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी होगी। इसके अलावा अपने आहार में विटामिन डी समृद्ध खाद्य पदार्थ जोड़ें, जैसे पैक्ड दूध, संतरे का जूस, अनाज आदि। डॉक्टर से परामर्श करने के बाद आप विटामिन डी के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। पोटेशियम टांगों के दर्द में पहुँचाए लाभ। पोटेशियम की कमी से भी टांगों में दर्द होता है। पोटेशियम मांसपेशियों और तंत्रिका कार्यों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। यह निर्जलीकरण भी रोकता है। टांगों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए पोटेशियम से समृद्ध खाद्य पदार्थ खाएं, जैसे बेक्ड आलू, शकरकंदी, छिलकों के साथ केला, किशमिश, टमाटर का जूस आदि अपने आहार में शामिल करें। शकरकंदी छिलकों के साथ खाना है दोस्तों। अपने डॉक्टर से परामर्श करने के बाद आप पोटेशियम से जुड़े सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। आइए हम आपको टांगों से जुड़े कुछ अन्य सुझाव या टिप्स देते हैं। आप
कैप्साइसिन से बने जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी टांगों का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। रोजाना 2 से 3 कप ग्रीन टी पिएं। पूरे दिन में 2 बार कुछ दिनों तक 1 चम्मच पीली सरसों को 1 गिलास पानी के साथ खाएं। इससे आपकी मांसपेशियां अच्छे से कार्य करेंगी। अपने रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखें। पानी पीने की मात्रा को नियंत्रित रखें। धूम्रपान या सेकेंड हैंड स्मोकिंग से बचें। अगर आपको शुगर है तो ब्लड शुगर स्तर को नियंत्रित करें। तनाव को दूर रखें। रोजाना 10 मिनट तक व्यायाम करें। व्यायाम करने से पहले और बाद में स्ट्रेच करें जिससे टांगों में दर्द ना हो। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो इसे छोड़ना महत्वपूर्ण होगा। संतृप्त वसा वाले खाद्य पदार्थ को खाने से बचें। एडिमा को रोकने के लिए अपने नमक की खपत को सीमित करें। रक्त परिसंचरण को बढ़ाने के लिए अपने टांगों को कुछ समय के लिए ऊंचा रखें। आप परिसंचरण में सुधार करने के लिए एक्यूप्रेशर और एक्यूपंचर का उपयोग कर सकते हैं। हमेशा कोई भी पूरक सप्लीमेंट लेने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। दोस्तों, घूमना देता है टांगों को ताकत। वॉकिंग टू स्ट्रेंथन लेग्स। घूमना एक बहुत अच्छा व्यायाम है जो आपकी टांगों की ताकत में मदद करता है और मांसपेशियों को टोन करता है। यह रक्त परिसंचरण में भी सुधार करता है। सप्ताह में कम से कम 5 बार न्यूनतम 30 मिनट के लिए चलें। अगर आपको घूमने में कठिनाई है तो किसी छड़ी का उपयोग करें। चलने के साथ साथ स्विमिंग, जॉगिंग, बाइकिंग, ट्रैकिंग जैसी गतिविधियों को सप्ताह में 1 बार जरूर करें। टांगों की मांसपेशियों को मजबूत करता है व्यायाम। आप व्यायाम या एक्सरसाइज से कमजोर टांगों की प्रमुख मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं। कुछ अच्छे अभ्यास हैं जो आप घर पर कर सकते हैं, जैसे हील स्लाइड, क्वाड प्रेस, सीधे पैर उठाना, हैमस्ट्रिंग सुदृढ़ीकरण, स्विस बॉल, स्क्वाट्स और लंजस आदि। आपको इन अभ्यासों को प्रति सप्ताह 3 या 4 बार करें, बशर्ते ये दर्द का कारण ना बने या उसमें वृद्धि ना करें। आप योग और ताई ची भी कर सकते हैं। हमेशा अपने चिकित्सक के साथ इन अभ्यासों की उपयुक्तता पर चर्चा करें। इसके अलावा एक विशेषज्ञ से इन अभ्यासों को सीखें। टांगों की स्वस्थ हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है सूरज की रोशनी। क्लिनिकल न्यूट्रिशन पत्रिका अमेरिकन सोसाइटी में प्रकाशित 1/2002 के अध्ययन के अनुसार विटामिन डी की कमी मांसपेशियों में कमजोरी का कारण है। यह 2 खनिजों को विनियमित रखने में भी मदद करता है, कैल्शियम और फास्फोरस, जो स्वस्थ हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है। धूप में कुछ समय बिताना आपको विटामिन डी प्रदान करने में मदद कर सकता है। सूर्य की पराबैंगनी यूवी अर्थात अल्ट्रावायलेट किरणें आपके शरीर में इस विटामिन को बनने में मदद कर सकती हैं। सीधे शब्दों में दैनिक रूप से 10 से 15 मिनट के लिए हर सुबह सूरज की रोशनी आपके टांगों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सैमन, सार्डिन, मकरल और दूध, संतरे का रस आदि विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। आप डॉक्टर से परामर्श के बाद एक पूरक भी ले सकते हैं। टांगों को मजबूत बनाता है पौष्टिक आहार। खराब आहार और निर्जरीकरण टांगों की कमजोरी और मांसपेशियों में ऐंठन के मुख्य कारणों में से एक है। आप अपने शरीर का पुनर्जलीकरण करके आसानी से इस हालत को कम कर सकते हैं। इसके अलावा आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए और अधिक पानी युक्त फल और सब्जियां खाने चाहिए। टांगों की कमजोरी को कम करने के लिए अपने आहार में स्वस्थ प्रोटीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन शामिल करें। आप अपने आहार में प्रोटीन युक्त कुछ अच्छे स्रोत जैसे अंडे, दही, सोया खाद्य पदार्थ और नट्स, और इसके अलावा पोटेशियम युक्त पके हुए आलू और मीठे आलू, केले, प्लम, किशमिश और टमाटर के रस का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम युक्त कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज, बादाम, लाइमा बीन्स और पालक और विटामिन बी युक्त अनाज, अंडे, दाल, केले, गेहूं के बीज, सेम, मछली, दलिया, पनीर और दही आदि का सेवन करें। कैल्शियम, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों के साथ भरा हुआ दूध एक और अच्छा आहार है जो कि पैर की कमजोरी से लड़ता है। अपने टांगों को शक्ति प्रदान करने के लिए दिन में कम से कम 1 गिलास कम वसा वाले दूध को 2 बार पीना चाहिए। आप 1 गिलास कम वसा वाले दूध के साथ कटे हुए अंजीर, खजूर और बादाम को उबालकर पिएं। पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ ही विटामिन बी जैसे खनिजों से समृद्ध सेब का सिरका टांगों के लिए एक और कारगर उपाय है। 1 गिलास गर्म पानी में 1 से 2 चम्मच कच्चे अनफिल्टर्ड सेब के सिरके को मिक्स करें। इसमें थोड़ा सा कच्चा शहद और नींबू का रस मिलाएं। इस टॉनिक को दिन में 1 या 2 बार पिएं। मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने और टांगों में कमजोरी रोकने के लिए आप लोहा, विटामिन बी, कैल्शियम
और पोटेशियम से युक्त सीरा ब्लैक स्ट्रेप मोलासेस का उपयोग कर सकते हैं। एक कप गर्म पानी या दूध में एक चम्मच सीरे को मिक्स करें या दिन में एक या दो बार पिएं। वैकल्पिक रूप से एक कप पानी में दो चम्मच सीरे और दो चम्मच कच्चे अनफिल्टर्ड सेब के सिरके को मिक्स करें और दिन में एक बार पिएं। टांगों के दर्द के लिए ठंडे बैग का करें इस्तेमाल। जब अत्यधिक शारीरिक गतिविधि के बाद टांगों में दर्द होता है तो आप ठंडे बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह प्रभावित क्षेत्र को सुन्न करके दर्द को दूर कर देगा और सूजन को नियंत्रित करने में मदद करेगा। ठंडे बैग का इस्तेमाल कैसे करें? मोटे कपड़े की तौलिया या कपड़ों में कुछ बर्फ रख लें। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए प्रभावित क्षेत्रों पर लगाएं। इस प्रक्रिया को पूरे दिन में कई बार दोहराएं। ध्यान देना है कि बर्फ को सीधा त्वचा पर न लगाएं, इससे फ्रॉस्ट बाइट का खतरा हो सकता है। टांगों के दर्द का घरेलू उपाय है मसाज, जो कि सदियों से चला आ रहा है और मसाज सबको पसंद है। मसाज मांसपेशियों में होने वाली समस्या को जल्द राहत प्रदान करता है। 2012 के अध्ययन के अनुसार व्यायाम के बाद मांसपेशियों में होने वाले तनाव में अगर आप 10 मिनट तक मालिश करते हैं तो इससे आपको बेहद आराम पहुंचेगा। इसके अलावा मसाज करने से रक्त परिसंचरण में सुधार होता है और तनाव या चिंता को भी दूर करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही दोस्तों, मसाज करने वाले अगर घर का कोई सदस्य है तो उसका इसमें स्नेह भी घुला होता है, जिससे और भी आराम प्राप्त होता है। मालिश कैसे करें? प्रभावित क्षेत्रों पर गर्म जैतून का तेल, नारियल या सरसों का तेल लगाएं। 10 मिनट तक टांगों पर मसाज करें। पूरे दिन में 2 से 3 बार मसाज की प्रक्रिया को दोहराएं। इसके अलावा आप खुद से भी मसाज करने वाले उपकरणों से टांगों पर मसाज कर सकते हैं। टांगों के दर्द के लिए हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। टांगों के दर्द के लिए अन्य प्रभावी घरेलू उपाय है हल्दी, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी गुण होते हैं। हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन सूजन को कम करने में मदद करते हैं। हल्दी का इस्तेमाल कैसे करें? एक चम्मच हल्दी का पाउडर कुछ मात्रा में गर्म तिल के तेल के साथ मिला लें। पेस्ट अच्छे से मिलाने के बाद इसे प्रभावित क्षेत्र पर लगाकर रगड़ें। इस आधे घंटे के लिए ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दें, फिर गर्म पानी से इसे धो लें। इस प्रक्रिया को पूरे दिन में 2 बार करें। इसके अलावा आप 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी डालकर भी पूरे दिन में 2 बार पी सकते हैं। टांगों के दर्द के लिए सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। सेंधा नमक में मैग्नीशियम होता है, जो कि एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट है, जिसे शरीर में तंत्रिका संकेतों को विनियमित करने में मदद मिलती है। यह प्राकृतिक तरीकों से भी मांसपेशियों को आराम पहुंचाने में मदद करता है और टांगों के दर्द और सूजन को भी कम करता है। सेंधा नमक का इस्तेमाल कैसे करें? 1 बाल्टी गर्म पानी लें और उसमें 1 या आधा चम्मच सेंधा नमक भी मिलाएं। अब उसमें टांगों को 15 मिनट के लिए डाले रखें। इस मिश्रण को हफ्ते में 2 या 3 बार करें। इसके अलावा ज़्यादा मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थ खाएं, जैसे केला, कद्दू के बीज, सोया मिल्क, अखरोट, सीरा, साबुत अनाज और हरी पत्तेदार सब्जियां आदि। आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपने डॉक्टर से बात जरूर करें। दोस्तों, बच्चों में ये प्रॉब्लम क्यों आती है? स्पेशली किशोरों में टांगों का दर्द बहुत होता है। कारण यह है कि वो इस तरह के फल, सब्जियां, ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं, बल्कि अनाप शनाप खाते हैं, जिससे उन्हें शरीर में पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते हैं। पानी भी कम पीते हैं, जिससे उनका शरीर निर्जलीकरण हो जाता है और उन्हें टांगों के दर्द और टांगों के ऐंठन का शिकार होना पड़ता है। तो बच्चों में ऐसी आदतें डालें कि वो इन सब चीज़ों का सेवन भरपूर मात्रा में करें। टांगों के दर्द के लिए चेरी का जूस का प्रयोग करें। अगर टांगों में दर्द और सूजन का कारण अत्यधिक शारीरिक गतिविधि है तो टार्ट चेरी का जूस पिएं। इसके एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी गुण चोट और दर्द का इलाज करने में मदद करते हैं। 2012 के अध्ययन के मुताबिक दुकानों से ली गई दर्द निवारक दवाइयों की तुलना में टार्ट चेरी जूस मांसपेशियों के दर्द और सूजन के लिए बेहद लाभदायक है। रोजाना पूरे दिन में 1 बार या आधा कप ताजी टार्ट चेरी खाएं या 1 कप टार्ट चेरी का जूस पी सकते हैं। दोस्तों, आप टांगों के दर्द के लिए अदरक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्रभावित क्षेत्रों पर अदरक के तेल से मसाज करें। आप पूरे दिन में 2 या 3 बार मसाज की प्रक्रिया तब तक दोहराएं जब तक टांगों में दर्द नहीं चला जाता। इसके अलावा अदरक की चाय को पूरे दिन में 2 या 3 बार जरूर पिएं। अदरक की चाय बनाने के लिए 5 से 10 मिनट तक ताजी अदरक के टुकड़ों को पानी में उबालने के लिए रख दें। अब उसे शहद और नींबू स्वाद बनाने के लिए डाल दें। अगर आप अदरक से जुड़े सप्लीमेंट खाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए। तो दोस्तों, देखा आपने, इतनी ढेर सारी चीज़ें हैं जो आपकी टांगों के दर्द को ठीक कर सकती हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सबसे पहले आप अपना आचार, व्यवहार और आहार, इन तीनों चीज़ों को जो है ठीक करें तो आपको इस प्रकार के दर्द से छुटकारा मिल सकता है। अर्थात पौष्टिक भोजन खाएं, खूब पानी पिएं, कसरत करें, व्यायाम करें और स्ट्रेस से बचें।
ये सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी को आने से रोकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही सिमिलर जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।